राम मंदिर भव्य बने, राम मंदिर ढांचा मस्जिद का जो भी ढांचा था विवादित तोड़ा गया, उसके लिए हजार दो हजार मर गए, कोई चिंता नहीं, मर रहे जितना काम है संसार काम ही है। अब राम मंदिर आंदोलन में कोई मरेगा तो उसके लिए राम मंदिर जब बना मरे लोग तो कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी होगी, ठीक है राम के लिए मरे, कोई इसके लिए थोड़ी मरे, राम के लिए पैदा हुआ राम के लिए मरेंगे, इसमें क्या दिक्कत पड़ी है। अयोध्यावासी डरे हैं, क्यों डरे हैं भाई? जैसे 90-92 में जो हो गया था दंगा, पूरा कर्फ्यू लग गया था एक महीना करीब, तो लोग दहशत में है कि ऐसा ना हो कुछ ऐसा बवाल हो जाए। ये आज दिन के आने दिन के आज समस्या होती चली जा रही है, अभी 6 दिसंबर तक मान लीजिए आप कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहेगा। स्कूल जा रहे हैं, छुट्टी है इस टाइम। कब छुट्टी हो गया? अरे वो मतलब इस टाइम भीड़ चल रही है और रास्ता हाँ। भी बंद है। जो भी बैरियर्स बनाए गए हैं, बैरियर में केवल एक एंट्री पॉइंट है, बाकी सारे एंट्री पॉइंट बंद है, ये केवल एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक करीब आपको कम से कम 15 स्टेप्स ऐसे पड़ेंगे जहाँ पे आपकी चेकिंग फ्रिस्किंग होगी। जबरदस्ती ढोए के लाए गए, बस में लाद लाद के लाए गए, गाँव गाँव से लाद के लाए हैं। आज बहुत से यादवों की भैंसें जो हैं उस पार जो है चरने को नहीं जा पाई है, बैरिकेड के नाते जो बराबर चरने के लिए दुधारू जानवर जाया करते थे वो नहीं जा पाए, काफ़ी लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। आम आदमी इस क्रियाकलाप से जो है दुखी है, राजनीति की रोटी सेकने के लिए अपनी पार्टी की वाहवाही करने के लिए आ पाए बराबर। ये पहले हमको रोजगार चाहिए, आज का नवयुवक अगर रोजगार रहेगा तो भगवान के देवी देवतम भी मन लगे, और अगर भूखा पेट रहे तो देवी देवतम भी मन न लगे। ये आम गरीब का कहना है, 5 रुपए किलो दाल की रेट बढ़ गई है का एक, कैसे बढ़ी? मोदी जी दे हैं जवाब, क्योंकि योगी जी दे हैं जवाब। अब यहाँ के जनता को चाहिए कि उनसे जवाब सवाल करें।